मंदिर खोलने का विषय लेकर कलेक्टर के पास गए। वही कलेक्टर ने कहा कि एक साथ सभी धर्म स्थल खोलने पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जल्द लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। अनलॉक 2 में शहर को और कैसे खोला जाए और लोगों को कैसे रियायतें दी जाए, इस संबंध में कई योजनाएं बनाई जा रही है। वही त्योहार भी शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते सावन के महीने आते ही मंदिर के पुजारियों ने कलेक्टर के सामने मंदिर को खोलने का विषय रखा। वही कलेक्टर ने सभी धर्म गुरुओं से बात करके एक साथ सभी धर्म स्थल खोलने की बात कही है। वही स्पा खोलने के संबंध में भी इस बार एसोसिएशन के कुछ लोग कलेक्टर से मिले, जिन्हें कलेक्टर ने कहा कि केंद्र से गाइडलाइन आने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है, जब तक इस बार खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही लाइब्रेरी को खोलने के संबंध में भी लोगों से चर्चा की गई है, जिसके तहत उन्हें जल्दी निर्देश देने की बात की गई है। वही सब्जी मंडी और राशन की दुकान को लेकर भी लोगों ने बात की है। सबसे पहले मठ मंदिर को लेकर क्या सहमत? आज धर्म स्थल से प्रतिनिधिगण, माननीय पुजारीगण वहाँ कुछ आए थे, उनसे चर्चा हुई है और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण भी उसमें मौजूद थे और उसमें शीघ्र कोई ना कोई निर्णय, सार्थक निर्णय लेंगे। उसमें कुछ प्रतिबंध और जो शर्तें रहेंगी उसमें, उसके बारे में कई विषयों पर पुजारीगणों ने सहमति दी है, जो वो लोग प्रिकॉशंस लेंगे। आज उनका क्या वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे, क्या कैसे सावधानियां बरतेंगे, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं, जिनको हमने नोट भी किए हैं।